किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मोटे अनाज द्वारा खाद्यान्न पोषण एवं पर्यावरण सुरक्षा। मोटे अनाज जिसको आजकल श्री अनाज के भी नाम से पुकारा जा रहा है, और ये बहुत ही एक अच्छा पोषक तत्व का स्रोत होता है। इसको पौष्टिक भंडार भी कहते हैं। कि मोटे अनाज दो तरह के हैं, एक तो मोटे दाने वाले हो गए और एक छोटे दाने वाले। मोटे दाने वाले में हम लोग ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ इसको हम लोग नाम रखते हैं। छोटे दाने वाले में सामा, कोदो, कुंदली, ये मोटे छोटे दाने वाले में। लेकिन छोटे दाने वाले अनाज जो हैं, मिलेट्स, मोटे अनाज जो जिसको बोलते हैं, जो छोटे दाने के होंगे, उसका पौष्टिक तत्व उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं कंपेरिजन टू मोटे अनाज। तो इसका उत्पादन और उपभोग दोनों पे सरकार का पहल है। उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाया जाए, उपभोग को भी ज़्यादा, इसलिए कि तरह तरह के जो आजकल मार्केट में मिल रहा है प्रोडक्ट, जो कि खास करके बच्चों के लिए सेरलेक और ये सब चीज़ें, तो इसमें किसी न किसी रूप में ये पौष्टिक तत्व के रूप में काम करता है और मिलाया जाता है। और इसके हम सभी घर पे भी बैठ करके इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा ये कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसके जो क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जिसको मार्केट में बेच भी सकते हैं और अपने भी उपभोग में ला सकते हैं। तो ये मेरा ये है। दूसरी बात है कि पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये ऐसा अनाज है, इसमें उर्वरक या रासायनिक कीटनाशक या दवा जो भी है, इसका उपयोग बहुत कम होता है। ये आपकी जो खास कर जो बंजर भूमि है उसमें भी इसका उपज अच्छा हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम यहाँ से जानना चाहेंगे कि परंपरागत जो खेती हमारे किसान भाई करते आ रहे थे, धान की खेती कर रहे थे और भी जो खेतियाँ करते आ रहे थे, उसके अलावा मोटे अनाज की अगर खेती करेंगे तो उनको किस हद तक आर्थिक मदद मिल पाएगी, कैसे उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिल पाएगा? आज के परिप्रेक्ष्य में इसको नया ही बोलेंगे किसान भाई के लिए, चूँकि सभी लोग अपना धान, गेहूँ, मक्का और दाल, तेलहन फसल पर उपज को बढ़ावा देने में लगे हैं, सब्जी पर लगे हैं। लेकिन हम लोग का जो मौसम में जो बदलाव हो रहा है, इसको देखते हुए हम लोग को थोड़ा सा ऐसा भी विकल्प रखना होगा, जिससे कि ऐसी फसल का चुनाव करें, ऐसे चीज़ें को लगाएं जो कि हम पानी कम रहे या बारिश नहीं हो पा रहा हो, मेरी मिट्टी उस टाइप की उपजाऊ भी नहीं है, बहुत सभी किसान नहीं उसको सुधार पाते हैं, जो हम लोग सुझाव दे पाते हैं फिर भी उनके तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में भी अगर बंजर भूमि है, कम उपजाऊ भी हैं, ऊपरी भूमि है, वैसे स्थिति में या पानी कम हो रहा हो, बारिश कम हो रहा हो, अब सीजन हो, जो कि जैसे अभी मार्च अप्रैल के दिनों में क्या होता है कि खेत मैक्सिमम खाली रह जाता है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग सुझाव देते हैं कि भाई ज्वार बाजरा को आप उपजा लगा सकते हैं और लगा करके आप उपज को बढ़ा सकते हैं। तो इसकी जो क्षमता होती है, ये सूखारोधी का भी है, कीड़े मकोड़े को भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, कीड़े मकोड़े बहुत कम लगते भी हैं, इसका अपना नेचर भी है। और दूसरा है कि जो अभी के समय में हम सभी केवल धान गेहूँ लगा करके अपने यूरिया, DAP, रासायनिक खाद जो डाले जा रहे हैं, वो भी बहुत कम इसमें नहीं के बराबर डालना है। अगर आपके पास गोबर खाद है तो 4-5 टन डाल दिए अपने एक हेक्टेयर के लिए, तो वो भी बहुत फायदेमंद चीज़ होता है और अच्छा उपज देगा। इस स्थिति में हम लोगों को ये सुझाव देते हैं कि भाई ऐसे मौसम में जो एक विकल्प बन पाए, अभी जो खाली खेत हैं, तो ऐसे में हम लोग ज्वार का ये लगा करके पशुओं के लिए, आपका चारा की भी कमी हो जाता है थोड़ा बहुत एरिया में भी, अगर आप चूँकि इसके जो डंठल होते हैं बड़े होते हैं, तो इस तरह से दो तरह में आप चारा भी इसका, एक तो हरा रूप में और दूसरा उपज जब ले लिए अनाज के रूप में, तो उसका भी जो डंठल होगा वो भी 2.5 गुना के आसपास उसका उपज होता है, इसका डंठल का वो भी एक सूखा चारा के रूप में विकल्प बन जाता है, जो कि बरसात के दिनों के लिए या ठंडे के दिनों के लिए माल के आपके पास कुछ विकल्प नहीं है, तो ऐसे में पशुओं के लिए भी ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी।